गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज़ द न्यू चैप्टर, चैप्टर 1, सोशल साइंस हिस्ट्री पार्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यानी कि यूरोप का जो नेशनल, यूरोप जब एक नेशनल बना, एक नेशन बना, तो किस तरीके से वो बना। ठीक है, आप अपने फ्रंट पेज पर एक पिक्चर देख रहे हैं जो आपकी बुक के अंदर भी है। क्लियर, इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई है, आप इसको चेक कीजिएगा। अगर हम आसमान की बात करते हैं तो बहुत सारे गॉड, देवी देवता जो है वो खुश है। नीचे लिबर्टी ऑफ स्टैचू है, जिसके एक हाथ में मसाला है और एक हाथ में ह्यूमंस राइट है। बहुत सारे लोग हैं जहाँ से लिबर्टी ऑफ स्टैचू के आगे से स्टार्ट हुए और पीछे तक चले जाते हैं। इसमें चार कंट्री है, चार कंट्री कौन कौन से हैं, फ्रांस है, इटालियन है, जर्मनी है और यूरोप है, यूरोपियन है। ठीक है, ये कंट्री आज़ाद हुए, इनके सामने कुछ टूटा फूटा पड़ा है, जिसमें जो है क्राउन्स है, या जो किंग होते थे उनके जो पैलेस है उसके कुछ पीसीज है, ये सारी चीज़ें शो की गई है। ठीक है, ये तब का है जब ये एक अलग कंट्री बन गई। एक चीज़ और आप नोट कीजिए, इनके हाथों में कुछ फ्लैग है जिनके कलर अलग है, येलो, रेड एंड ब्लैक, ग्रीन, वाइट एंड रेड। तो अलग अलग कलर के फ्लैग लेकर ये लोग जो है मार्च कर रहे हैं और खुश है। इस वाले चैप्टर में सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन, यानी कि बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो से हम इसको स्टार्ट करेंगे। अभी बेसिक चीज़ें की थोड़ी सी। मिड 18th सेंचुरी यूरोप हैव नो नेशन। 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करते हैं तो फ्रांस जो था, यूरोप जो था, वो कोई नेशन, राष्ट्र नहीं था। बट 1750 नेशन स्टेट मीन्स इंडिपेंडेंट कंट्री। बट जो है ये 1750 में जो था एक डिपेंडेंट कंट्री बन गया था। अब नेशन होता क्या है? नेशंस का मीन्स होता है मेजोरिटी ऑफ लैंग्वेज, मेजोरिटी ऑफ हिस्ट्री, मेजोरिटी ऑफ ट्रेडिशन। देखिए, जब हम एक राष्ट्र होते हैं तब हम एक ही लैंग्वेज का यूज करते हैं ज़्यादातर लोग, एक ही हमारा हिस्ट्री होता है यानी कि इतिहास होता है, एक ही हमारा कल्चर होता है। बट बिफोर द डेमोक्रेसी यूरोप में ऐसा कुछ भी नहीं था, सब लोग अलग अलग थे, अलग अलग लैंग्वेज यूज करते थे। ठीक है, जब लोग लैंग्वेज, हिस्ट्री, ट्रेडिशन, ये सब उनका, ज़्यादातर लोग एक ही चीज़ को यूज करते हैं, तब मीन्स नेशन, यानी कि मीन्स ऑल दोज थिंग्स आर नेशन कंट्री। बट वाई इज नोन स्टेट इज मिड 18th सेंचुरी। अब क्वेश्चन ये आता है कि 18वीं शताब्दी से पहले जो यूरोप था वो एक नेशन क्यों नहीं था? इसका मीन आंसर है बिकॉज ऑफ दैट लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे डाइवर्सिटी थी, लोगों में यूनिटी नहीं थी। जिसके पास पैसा है वो पावर में था, जिसके पास नहीं है वो नहीं था। तो इसलिए यूरोप जो है वो एक अलग कंट्री नहीं था। हब्सबर्ग, देखिए, देयर हैव टू फ्रेंच, इटालियन एंड जर्मन लैंग्वेज, मोस्टली लोग जो थे वो फ्रेंच, इटालियन और जर्मन लैंग्वेज का यूज करते थे। सो दैट हियर नो मेक ए नेशन स्टेट, इसलिए ये कभी भी एक देश नहीं बन सका। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे आइडिया ऑफ नेशनलिज्म कहाँ से आया, किसके दिमाग में ये आइडिया किया आया कि ये जो है यूरोप एक नेशन बन सकता है। क्लियर, नेशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, ये ऑल थिंग द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, क्लास 9th में आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, अगर आपको वो अच्छे से याद है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ओके, थैंक